सो यार थॉट है कि जो है जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है ना, दैट इज वेरी सिमिलर टू यू नो लेट्स से एक गांव है जहाँ पे सिर्फ एक दुकान है जहाँ पे टॉप क्वालिटी का सामान मिलता है, ठीक है, एंड एवरीबडी लव्स द क्वालिटी देयर, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हैव दिस फीलिंग कि यार काश थोड़ा सस्ता मिल जाता. नाउ ऑब्वियसली द शॉपकीपर इज मेकिंग मनी एंड ही कैन मेक इट अ लिटिल बिट चीपर, बट पॉइंट इज अगर चीपर करने के चक्कर में उसने प्रॉफिट्स गिव अप कर दिया एंड यू नो समथिंग गोज रॉन्ग थोड़ा सा एंड द बिजनेस इज नो मोर सस्टेनेबल, तो उसकी दुकान ही बंद हो जाएगी एंड देन यू विल लूज दैट ऑप्शन ऑफ क्वालिटी एज वेल, राइट? सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो है जो बिजनेस है वो भी पैसे बनाए और उनको ये चीज समझ में आए कि जो है आप जो प्रॉफिट दे रहे हो वो सामने वाले को वो प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हो इन मेंटेनिंग दैट क्वालिटी, इन इन मेकिंग श्योर कि वो क्वालिटी आपको फ्यूचर में भी अवेलेबल रहे. इसलिए नहीं है कि यू नो काश मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाता, वो माइंडसेट लोगों का रहता है, बट द मोमेंट यू गेट देम टू सी कि सस्ता मिलने से एक्चुअली वो अपना खुद का ही फ्यूचर जेपरडाइज कर रहे हैं, उस क्वालिटी का फ्यूचर जेपरडाइज कर रहे हैं, दैट्स व्हेन दे स्टॉप आस्किंग फॉर थिंग्स लाइक डिस्काउंट एंड स्टफ लाइक दैट. नाउ दैट इज ऑब्वियसली इजियर सेड देन डन, सो व्हिच इज वेयर यू नो आई एम स्टिल फिगरिंग दैट आउट विद मोर नेगोशिएशंस, जैसे जैसे चीजें पता लगेंगी तो वैसे बताएंगे, बट दैट एसेंशियली इज द कोर ऑफ इट कि यू नो जो है कई बार जो खरीदार होता है जो बायर होता है उसको ये लगता है कितने सस्ते मिल जाए, बल्कि वो राइट माइंडसेट नहीं है इवन फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो ये चीज अगर आप खुद समझते हो तो इट इज जस्ट मच इजियर फॉर यू टू कन्वे एज वेल.